तो गाइस कैसा है कि जब आप लोग का शादी होता है और जब पंडित जी आते हैं जो पत्थर दिखाते हैं, मतलब कई प्रकार के उनका नाम बताते हैं, गौरी गणेश मतलब शालिग्राम। तो चलिए आज वो मैं काफी ज्यादा शालिग्राम काफी गौरी ज्यादा शालिग्राम मतलब वही जो कुछ भी होता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे आप सभी को दिखाता हूँ कि यहाँ पे मतलब सब शालिग्राम ही छाए हुए हैं इस जगह। और मैं दिखा रहा हूँ, एक नहीं 1,000 दिखाऊंगा, अरबों खरबों दिखाऊंगा। देखिए शालिग्राम ही आपको देखने को मिलेंगे और कितना आप लोग के दिखाऊं। एक देखिए यहाँ पे भी मतलब शालिग्राम यहाँ पे भी है, शालिग्राम छिप छिप के यहाँ पे बैठे हैं। और कैसा है कि अगर ज़्यादा रहती है ना तो ज़्यादा चीज़ की कीमत बहुत कम होती है, और एक रहती है ना तो एक की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हैं, तो चलिए मैं देख लीजिए जितना शालिग्राम आप लोग को देखना है देखिए जितना, मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोग यहाँ आइए और यहाँ से ले जाइए। ये देखिए, अब ये देख के तो मतलब खुद ही मुझे, ये देखिए कितना ज़्यादा शालिग्राम लेंगे आप। तो भाई लोग कैसा है कि जो जगह पे मैं आके वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंकड़ पत्थर हैं और वीडियो में आप लोग को दिखा भी रहा हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, तो जो सीन यहाँ से सीन कुछ इस तरह से है, और इस सीन मैं जिस जगह पे आया हूँ दमन में आता है ये सीन, और दमन का सीन आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो भाई लोग कैसा है कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, तो आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मुझे मिला है। और जब मैं आया था ना, तो ये जो बाउंड्री है पूरा मतलब कुछ भी नहीं बना था, कुछ भी बोलो तो कुछ भी नहीं बना था। ये सामने वाला तो नहीं बना था, पीछे वाला जो घर था वो घर बना था, और खजूर का पेड़ आज भी है, पहले भी था। और चलिए मैं आगे चल रहा हूँ, आगे का सीन कैसा रहेगा आगे का भी सीन दिखाऊँगा आप सभी को। तो भाई लोग कैसा है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं कोई कोई ज़्यादा भी गहरा है, तो इसकी वजह से हमें बच बच के चलना पड़ रहा है। तो गाइस कैसा है कि जो आप लोग हमारे हाथों में देख रहे हैं ये शंख है, मतलब जो पंडित लोग बजाते हैं वही शंख है। और अभी कैसा है कि इसकी साइज छोटा है और ये जिंदा है, मतलब अब इसको पानी में छोड़ देंगे ना तो मतलब ये तैरेगा। और इससे बड़ा भी एक शंख आप सभी को दिखा रहा हूँ, अभी मुझे मिला है। और एक शंख यहाँ पे है कि जो आप लोग देख रहे हैं ये समुद्र में भी पाया जाता है, समुद्र में ही मतलब आता है मतलब बह के। और चलिए मैं इसको फेंकता हूँ, 5 साल बाद बड़ा हो जाएगा ये, 5 से 6 साल बाद बड़ा हो जाएगा। और ये भी शंख आप लोग देखिए मतलब कितना बड़ा है, और इसकी डिज़ाइन जो इसकी लुक है आप लोग देखिए। और ये समंदर में मतलब बह के आया है, और आप लोग को मतलब कई प्रकार के भी अगर ढूंढोगे तो काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगा। और चलिए ठीक है आगे की तरफ चल रहा हूँ मैं, और ये भी जिंदा है मतलब इसने भी जान है इस शंख में इसको। और वहाँ जैसा एक वीडियो में आप लोग देख रहे हैं वो मच्छी पकड़ के जा रहे हैं अपने घर। और चलिए ठीक है मैं चल रहा हूँ आगे। तो भाई लोग कैसा है कि पीछे का सीन है वही है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ आप सभी को वीडियो दिखा के, तो चल रहा हूँ घर की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय।